नमस्कार मित्रों, हमने अभी आपके लिए एक मंगल ग्रह पे बहुत ही विशेष वीडियो जिसमें अभूतपूर्व जानकारियां हैं। इतना अधिक मटेरियल है ज्योतिष सीखने वालों के लिए कि बहुत कुछ सीख सकते। कुछ ऐसे ही बहुत विशेष उपाय जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो उसके बारे में आज हमें सिखाने के लिए हमारे मध्य में है हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। दीपक जी, देखिए हमने मंगल के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली हमारे पिछले वीडियो में कि मंगल उत्तेजना देता है, विध्वंसात्मक है, ब्लड का कारक है। चंद्र और मंगल दोनों मिलकर स्त्रियों के जो है पीरियड्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। इस तरह से मंगल का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए विवाह जैसे कार्य को हम मंगल कार्य कहते हैं। मंगल कार्य, मंगल कार्य नहीं कहते हैं। तो मंगल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल मंगल कारक है, अमंगल कारक नहीं। हम मांगलिक दोष वगैरह को लेकर जो इतने डर जाते हैं, उसके लिए हमें इतना डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली का बहुत बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे तो हमारी जो है चिंताएं परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त ये भी चीज है कि मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ यहाँ पर, जो कृष्णमूर्ति जी ने ही अपनी पुस्तकों में लिखे हैं कि मंगल के लिए हम किस प्रकार की पूजा या पाठ करें, और मंगल यदि और विभिन्न ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है तो हम किस प्रकार से करें, और स्त्रियों के लिए क्यों ये विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि स्त्रियों के लिए मंगल, इस मंगल की पूजा करना या उसका उसके रत्न का या उसके रंग का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। हालांकि हम लोगों के यहाँ कई बार ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा मत करो औरतें, ऐसा कहा जाता है। मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि स्त्रियों को मंगल किस प्रकार आवश्यक है। तो स्त्रियों के लिए लाल रंग के रत्न पहनना, लाल रंग का कुमकुम लगाना, लाल रंग स्त्रियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मंगल हमारी रक्षा करता है। इसलिए स्त्रियों को लाल रंग का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं सबसे पहले बता दूं कि शैशवावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने के लिए, बचपन में रोगों से लड़ने की क्षमता, लीवर्स के रोगों से बचाव के लिए, सही वजन प्राप्ति के लिए, जलने तथा आग से बचने के लिए, गर्म पानी या दूध से बच्चे अक्सर जल जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों कोई भी जलता है, फोड़े फुंसियां हो जाती हैं बचपन में कईयों के, इन सब से बचाव के लिए मंगल के उपाय आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बाल्यावस्था जब आती है तो बाल्यावस्था में बच्चे खेलते कूदते अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पटाखे छुड़ाते समय, दिवाली पर पटाखे छुड़ाते हैं उस समय चोटें लग जाती हैं, गैस या स्टोव आदि से भी कभी कभी जल जाते हैं बच्चे। आजकल तो हम लोग बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन बीच में हमने देखा था बहुत बच्चे अक्सर जल जाया करते थे, विशेष रूप से लड़कियां जो किचन में काम करने चली जाती थी। शैशवावस्था में इसका क्या उपयोग है, मंगल की उपयोगिता, कि उनके पीरियड्स टाइम से हो जाए, उनके पेट में दर्द ना हो, उनके स्तनों में दर्द ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि मंगल के उपाय किए जाए। फिर इसके अतिरिक्त मंगल दोष से शुद्धि के लिए, मंगल दोष जो हम कुंडली में देखते हैं, स्त्री को जीवन साथी श्रेष्ठ मिले, उसका सुख अच्छा रहे और बिना देरी किए उचित आयु में उसका विवाह हो। आजकल आयु चेंज हो गई है, जो पहले 20 से 22 साल या 25 साल होती थी, 25 से 30 साल की आयु हो गई, थोड़ा चेंज होता है ये समय के अनुसार, देश और काल के परिस्थितियों के अनुसार। के बाद आता है मंगल की उपासना हमें इसलिए भी करनी चाहिए ताकि गर्भपात और रक्त स्राव को बचाया जा सके, उसको रोका जा सके। सुलभ प्रसूति के लिए, मतलब इजी डिलीवरी हो जाए बच्चों, उसमें सर्जरी ना हो, इसके लिए भी, या खून नहीं चढ़ाना पड़े, इसके लिए भी मंगल की उपासना, इसके उपाय आवश्यक। इसके अतिरिक्त महिला जो है जीवन में जमीनों की स्वामिनी बने, इसके लिए मंगल की पूजा आवश्यक है। संपत्ति और घर प्राप्त कर पाए वो अच्छी तरह से, वाहन दुर्घटना से बचाव के लिए मंगल की उपासना आवश्यक है या मंगल के उपाय आवश्यक हैं। भाई बहनों से अच्छे संबंध बने, हमने कहा था भ्राता का कारक भाई बहनों का कारक है मंगल, तो भाई बहनों से अच्छे संबंध रहे, कईयों के बहुत बुरे संबंध हो जाते हैं, वो बनाए रखने के लिए, उससे हमेशा सहायता प्राप्त करने के लिए भाइयों से विशेष रूप से, ताकि
बच्चों के मामा का बच्चों को सपोर्ट मिल सके और उनके सहयोग से हमारे सुख और समृद्धि में वृद्धि। इन सब के अलावा सभी सबका उनका सम्मान करें, महिलाओं का या पुरुषों का सम्मान करें और उसका हुक्म लोगों पर चले, उसकी बात को माना जाए, पति उसकी बात माने, पत्नी की यदि पत्नी है तो पति माने। इस सब के लिए भी मंगल की पूजा प्रार्थना अनिवार्य है। वो निर्भय हो, साहसी हो, स्वस्थ हो और जीवन के अंत तक सक्रिय रहे, बेड रिडन ना रहे, इसके लिए भी आवश्यक है कि मंगल के उपाय किए जाए। इसके लिए महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए ये तो संक्षेप में बता रही हूँ मैं। मंगलवार का व्रत कर सकती हैं, देवी देवता मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको, उन देवी देवताओं की पूजा कर लें, लाल रंग के रत्न धारण करें, लाल रंग के वस्त्र पहने ताकि मानसिक शांति भी बनी रहे, वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो और मंगल उनके लिए अकारक न बने। प्रमुख उपाय जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि मंगल किसी भी ग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है तो दक्षिण भारत के लिए तो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी की पूजा बताई जाती है और उत्तर भारत में हम बजरंग बली या हनुमान जी की पूजा बताते हैं। ये सबसे सरल और पहला उपाय। मंगल यदि सूर्य से जुड़ा होता है तो वीर बलभद्र की पूजा करें या सूर्य नमस्कार करें, ये अत्यंत आवश्यक एक्सरसाइज, हनुमान जी का नाम लेते हुए सूर्य नमस्कार। यदि मंगल चंद्रमा से संबंध हो जुड़ा हुआ हो तो काली या पार्वती की पूजा करें, काली देवी, काली माँ की या पार्वती की पूजा करें। यदि मंगल बुध से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है तो नरसिंह भगवान की पूजा की जाए, भगवान नरसिंह की। यदि यदि उसके साथ शुक्र भी साथ हो, मंगल बुध के साथ शुक्र भी यदि कनेक्टेड है तो लक्ष्मी की कर सकते हैं और नरसिंह भगवान की, इनकी पूजा अत्यंत आवश्यक। और यदि शनि साथ में है तो हनुमान जी की, सिंपल सबसे सरल है। यदि बुध मंगल और गुरु साथ साथ है तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। मंगल और शुक्र यदि साथ हैं तो महालक्ष्मी की पूजा करने से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार हम जो है मंगल, शनि, राहु और केतु यदि हैं तो दक्षिण भारत के लिए इन्होंने बताया हुआ वेंकटाचलम की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, राहु और केतु की स्थिति में मंगल के साथ हो तो गणेश जी की। तो इस प्रकार से जो है हम विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करके और शनिवार को भी कर सकते हैं और मंगलवार को भी कर सकते हैं। यदि शनि से जुड़े हुए हैं तो हम शनिवार को कर सकते हैं पूजा और बाकी अन्य ग्रहों के साथ हम मंगलवार को कर सकते हैं। तो इससे हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। महिलाएं जिनके मंगल कुंडली में कमजोर है वो लाल रंग के वस्त्र पहने, बिंदी लगाए, टीका लगाए, सिंदूर वगैरह जो भरने की हमारे यहाँ प्रथा है, लाल रंग की बिंदी लगाने की प्रथा, वो इसी सबसे आई है, मंगल के ही कारण आई। तो इस तरह से मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस चीजों पर ध्यान दें और इसको अपने प्रयोगात्मक उसमें करके देखें, प्रयोग की दृष्टि से, और सलाह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसके सारे ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है तो वो तो रुद्राभिषेक करे, हनुमान चालीसा भी करना चाहिए, रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। अभिषेक करिए आप तो। तो मेरा मेरे तो सभी ग्रहों से संबंध है उसका, तो हाँ। मैं इसलिए कहता हूँ रुद्राभिषेक करें और हनुमान चालीसा पढ़े तो बस सब कुछ हो गया आपका। और संकट मोचन सबसे बेस्ट, संकट मोचन हनुमान जी की जो आराधना है वो बहुत अच्छी मानी गई है। उत्तर भारत में तो हम यही करते हैं मोस्टली ज्यादातर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार वीडियो और बहुत ही छोटे से वीडियो में आपने बहुत कुछ दिया इसमें भी, और समझने वाले के लिए, ढूंढने वाले के लिए बहुत कुछ है। स्त्रियों के दृष्टिकोण से मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा इसे बताना चाहिए। हाँ नहीं नहीं दीदी, रियली में अच्छा था, एकदम एक्सेप्शनली गुड और इन्फॉर्मेटिव थी बात। हर बात जो है बहुत जरूरी और उसके पीछे तार्किक रीजन है, बस लॉजिक है वहां पर। चलिए उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है, सभी से अनुरोध है कोई व्यक्तिगत काम हो, कोई कुंडली विश्लेषण हो, शिक्षा से संबंधित कोई बात करनी हो, आप उनको डायरेक्टली संपर्क। नमस्कार और धन्यवाद।